हम चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ सारी शक्तियां जो बीजेपी के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है, इस राष्ट्र के द्रोही लोगों के खिलाफ है, जो यहाँ पर मनुवाद की संस्कृति लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एकजुट करके करके और उसको परास्त करने का काम करें। एक तरफ मनुवादी लोग हैं और एक तरफ देश में जो सब लोग उछले गए हैं वो लोग हैं। हम चाहेंगे कि सारी शक्तियाँ जो मनुवाद के खिलाफ हैं वो सब लोग एक साथ हों, एक साथ मिल करके इस मनुवादियों को परास्त करने का। 12 जनपद रोड दिल्ली स्थित जो आवास है जहाँ पर रामविलास पासवान की जो फैमिली है 32 साल से रह रही थी, रामविलास पासवान के निधन के बाद सरकार की तरफ से ये आदेश दिया गया था कि उस बंगले को खाली कर दिया जाए, क्योंकि उस बंगले में कोई मंत्री ही रहते हैं या फिर वो लोग रहते हैं जो लगभग 5 या 7 बार सांसद बने हुए हैं, वो लोग ही उस आवास में रह सकते हैं। ऐसे में चिराग पासवान दूसरी बार सांसद बने हैं तो इसलिए उन्हें वो बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था, लेकिन चिराग पासवान की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि हम बंगला खाली कर रहे थे, तभी भाजपा के एक बड़े मंत्री ने आकर कह दिया कि आप बंगले को खाली ना करें, इसलिए मैं बंगला खाली नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ। उसके अगले दिन ही पुलिस प्रशासन के साथ वहां पर आकर और बंगले के सभी सामान को बाहर फेंक दिया गया, उससे चिराग पासवान बहुत आहत हैं। लेकिन आज राजद के कदावर नेता श्याम रज्जक जो हैं वो चिराग पासवान से मिलने गए थे। चिराग पासवान से मिलने के बाद पत्रकारों से उन्होंने बात किया, क्या कुछ कह रहे हैं श्याम रज्जक सुनिए। राम विलास जी हमारे बड़े भाई की तरह रहे, जिस तरह उनको घर से बेदखल किया गया, जिस तरह से वहाँ दलित नेताओं के चित्र मूर्ति के साथ अपमान किया गया, इससे चिराग पासवान जी मरमाहत रहे हैं। उस मरमाहत पर मैं उनके दुख में शेयर करने के लिए आया। मोर्चा में उपचुनाव है, चिराग की पार्टी नहीं लड़ रही है, क्या यहाँ कोई राजनीति बात नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान आप लोग प्रचार करें आप लोगों के लिए? जिस तरह साले में समर्थन नेचुरल है, आज देश में दो धारा है, एक तरफ मनुवादी लोग हैं और एक तरफ देश में जो सब लोग उछले गए हैं वो लोग हैं। हम चाहेंगे कि सारी शक्तियाँ जो मनुवाद के खिलाफ हैं वो सब लोग एक साथ हों, एक साथ मिल कर इस मनुवादियों को परास्त करने का। तैयारी है क्या चिराग पासवान, क्या कह रहे हैं? तैयारी है क्या सर, ये 24 की तैयारी? 24 की तैयारी हम लोग की मजबूती के साथ है, एकजुट होकर तैयार हैं आप? हम चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ सारी शक्तियां जो बीजेपी के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है, इस राष्ट्र के द्रोही लोगों के खिलाफ है, जो यहाँ पर मनुवाद की संस्कृति लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एकजुट करके और उसको परास्त करने का काम करें। पासवान के साथ जो हुआ और जो कुछ हो रहा लगता है बीजेपी भी भूमिका में है, लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी की वहाँ सरकार है, वहाँ उनके विभाग हैं, उन लोगों की भागीदारी निश्चित है, उनके बिना कुछ हो सकता है क्या? इतने दिनों तक वो जैसा कह रहे थे कि उनको आश्वासन दे रहे थे और तुरंत उनको इस तरह से घटना हुआ। इस उस मकान को रखना नहीं चाहते, हम लोग की इच्छा थी, हम लोग की भी जो हम लोग उन पार्टी के नहीं हैं, कि रामविलास जी वहाँ पर कई वर्षों से रहे, उनको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए और वो मकान को राष्ट्रीय स्मारक रामविलास जी के नाम पर होना चाहिए, रामविलास जी की प्रतिमा दिल्ली में किसी बड़े स्थल पर लगना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर संसद भवन में रामविलास जी की तस्वीर लगनी चाहिए। रामविलास जी कोई ऐसे वैसे नहीं थे, जब बड़े मनुवादियों का वो लगा सकते हैं तो एक दलितों के सबसे बड़े प्रनेता, भाई अंबेडकर और कांशीराम के बाद कोई एक नेता पैदा हुआ वो रामविलास पासवान है, तो रामविलास जी को क्यों नहीं? ये वो दलित विरोधी है बीजेपी और दलितों को अपमान करना उनका कर्म रहा। वैशाली में उन्होंने समर्थन दिया है, क्या कहेंगे? तो क्या लगता है, मैं तो चाहता हूं विजय रथ को रोक सकते हैं आप लोग? विजय रथ तो ऐसे भी रुकने वाला है, इस राज और देश की जनता सड़क पर है और जब सब लोग एक साथ होंगे तो और उसमें गति आएगी। तो सुना आपने श्याम रज्जक ने क्या कहा कि चिराग पासवान के आवास को खाली कराने से हम लोग भी आहत हैं, जो भाजपा है वो इसी तरह की राजनीति करती है और वो नहीं चाहती कि किसी के पास भी उस तरह का आवास रहे जिससे भाजपा को नुकसान हो। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया न्यूज़।